हेलो वीवर्स फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रिक टिको ट्रिक, ट्रिक, में आज मेरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के टॉप सिक्स मूवीज़ के बारे में विथ बेस्ट साउंड क्वालिटी जी हाँ दोस्तों इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पर नेटफ्लिक्स एमेज़न प्राइम ऐपल टी वी प्लस सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं जिनमें मैंने डिस्कस किया है टॉप टेन टॉप फाइव मूवीज ऑफ दिस ब्लैकफॉर्म्स बट अभी जो है नया मूवी ऐड होता गया है और मैं अक्सर और उसको सर्च करता रहता हूँ अपडेट करता रहता हूँ कि क्या क्या मूवी आ रहा है कौन, कौन सी कौन सी मूवी में और ज़्यादा अच्छा साउंड अवेलेबल है तो मैं आज और छः मूवी आप लोगों के साथ लेके आया वो जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा जो कि है नेटफ्लिक्स में अभी करेंट क्लिक अवेलेबल बेस्ट साउंड के साथ तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक अभी तक अगर चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेलाइकन तो व्यवस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक बहुत ही जाना पहचाना सा ओ डी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं और रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको डॉल्बी एटमोस में देखने को मिलते हैं तो आज मैं यहाँ पर टॉप सिक्स ऐसे मूवीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है बेस्ट साउंड क्वालिटी के साथ जी हाँ दोस्तों मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा डॉलपिक एटमोस मूवीज ही आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस कराता है फ़ाइव पॉइंट वन या डॉल्यू डिजिटल प्लस कभी तो कभी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको साउंड प्रोवाइड करेंगी तो मैं आज ऐसा नहीं बोलूँगा कि टॉप सिक्स मूवीज़ या टॉप टेन मूवीज़ जो कि डॉल्य एटमास के साथ आता है मैं बेस्ट साउंड क्वालिटी वो फाइव पॉइंट वन भी हो सकता है डॉल्यू डिजिटल प्लस भी हो सकता है या डॉल्बी एटमॉस भी हो सकता है वैसे तो नेटफ्लिक्स में डॉल्यू डीरो प्लस अवेलेबल नहीं होता है तो मैं फाइव पॉइंट वन और डॉल्बी एटमास मूवीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा तो हम चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले जो मूवी आता है वो है ट्रांसफॉर्मर्स जी हाँ दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स जो पार्ट वन है वो खी टू थाउजेंड सेवन में आया था वो नेटफ्लिक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये बहुत ही अच्छा मूवी है दोस्तों अगर आप साउंड को टेस्ट करना चाहते हैं अपने साउंड बार या साउंड सिस्टम से इसमें जितने सारे एक्शन सीन्स हैं जितने सारे बुलेट सीन्स हैं सब कुछ आप डिटेल में सुनिएगा इसमें बहुत अच्छा साउंड और नमस्त एक्सपीरियंस आपको सीने को मिलेगा इसमें हर एक पॉइंट से साउंड आता हुआ पीछे से तागे से डाए बाएँ और इवन आइट इफेक्ट्स भी बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड किया गया है तो ट्रांसफॉर्मर्स बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा दोस्तों ये एक बहुत अच्छी मूवी है अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करने के लिए नेक्स्ट जो मूवी आता है दोस्तों वो है मैन ऑफ स्टील जो कि सुपर मैन की एक मूवी है ये नेटफ्लिक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ने, ये नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है विथ बेस्ट साउंड क्वालिटी अगर आप एक अच्छा साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इमर्सिव साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दमदार एक्शन सीन्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है आप इसको जाइए और जल्दी से जल्दी नेटफ्लिक्स में वॉच खींचे इसमें आपको बहुत ज़्यादा इमर्सिवनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और बहुत अच्छा एक्शन सीन्स एवरी एंगल से साउंड को फील कर सकते हैं एवरी आइडा द साउंड को महसूस कर सकते हैं तो ये मूवी जो है एक्शन सीरीज के लिए और अपने साउंड बार को साउंड सिस्टम टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों इसको ज़रूर देखिए नेक्स्ट जो मूवी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही पुराना मूवी है दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर से भी एक साल पहले रिलीज़ हुआ था यानी टू थाउजेंड सिक्स में रिलीज़ हुआ था लेकिन मैंने जब नेटफ्लिक्स में इसको सुना मतलब मुझे एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिला मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किस तरीके का साउंड मुझे सुनने को मिलेगा और वो मूवी वो है थ्री हंड्रेड जी हाँ तो थ्री हंड्रेड जो पुराना वाला है नया वाला एक थ्री हंड्रेड बाद में आया है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ टू थाउजेंड सिक्स में जो ऑरिजिनल पुराना वाला थ्री हंड्रेड निकला था उसमें आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इमसिब और अच्छा बेस एक दमदार बेस वाला जो साउंड है वो आपको इसमें फील करने को मिलेगा तो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बेस एक्शन सीन्स और फाइटिंग सीन्स हो तो ये मूवी आपके लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों इतने इसमें इस जितने सारे बैटल सीन्स दिए गए हैं इतने सारे एरो वाले सीन्स हैं जहाँ पे एरो चलता हुआ आपको दिखेगा वो वाला सीन आप बिल्कुल विस्त कीजिएगा दोस्तों इसमें आपको एकदम ऐसा फील होगा अगर आपके पास एक अच्छा साउंड सिस्टम है तो आपको फ़ील होगा कि वो एकदम आपके सामने आपके आसपास पास हो रहा है दोस्तों बहुत अच्छा साउंड uh, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और अगर आपके पास एक डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम है तो आप बहुत ही अच्छा इमर्सिव साउंड विथ एवी बेस के साथ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो, तो ये मूवी जो है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए ये नेटफ्लिक्स में आपको फाइव पॉइंट वन में अवेलेबल मिलेगा लेकिन इसका साउंड जो है वो ट्वेल्वी एटमॉस को भी टेप दे सकता है दोस्त नेक्स्ट जो मूवी है दोस्तों वो है 2012 जी है ये भी बहुत पुरानी एक मूवी है लेकिन इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इसमें भी आपको बहुत ही हेवी बेस सुनने को मिलेगा एक मतलब दमदार साउंड आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कमोसिफ़ साउंड मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है बहुत ज़्यादा कमोसिफ़ और चारों तरफ से जो आती हुई साउंड है को शायद उतना नहीं मिलेगा लेकिन एक ओवरऑल अच्छा टीवरसिड साउंड एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा और इसमें जो है बेस बहुत अच्छा आपको सुनने को मिलेगा तो बेस के मामले में ये 300 और 2012 बहुत ही अच्छी मूवी है 300 में आपको रिवर्सिवनेस भी बहुत अच्छा मिलता है एकदम साउंड जो है क्रिस्टल क्लियर है हर एक साउंड को आप अच्छे से सुन सकते हैं और 2012 में एक ओवरऑल टिवर्सिडनेस आपको प्रोवाइड किया जाता है लेकिन अच्छा साउंड है दोस्तों इस मूवी को भी आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी मूवी जो है उसमें एक्शन से भरा हुआ है तो इसमें आप पूरी मूवी में एक अच्छी साउंड क्वालिटी को महसूस कर सकते हैं नेक्स्ट मूवी जो है वो एक पुरानी मूवी है दोस्तों वो मैं नॉर्मली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो वो ऐसा मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को दो दोस्तों की डॉटी एटमोसार अभी जो डिजिटल प्लस डॉट हैं हमेशा वही और जो नई मूवी मार्केट में आ रही है ऐसा नहीं है दोस्तों ये एक विविख है कि उन सारे मूवीज़ में ही आपको अच्छी साउंड क्वालिटी फील करने को मिलेगा हमेशा ऐसा नहीं होता है पुरानी जो मूवीज़ है वो भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए उसको चला के आपको सुनना चाहिए उसमें भी बहुत सारे ऐसे मूवीज़ है जो नई जो टेक्नोलॉजी है उससे कहीं ज़्यादा कहीं बेहतर साउंड आपको एक्सपीरियंस करा सकता है तो जी आप दोस्तों चौथा अकबर में एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत पुरानी मूवी है लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा इमोशन साउंड आपको स्टेरियस करने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छा अच्छा बैटल सीन्स दिए गए हैं तो, तो वाले जितने पर सीन्स है उसमें आपको बहुत अच्छा हाइट इफेक्ट सुनने को मिलेगा दोस्तों नॉर्मली जो है एटमोस साउंड पास में हाइट इफेक्ट्स उतना ज़्यादा हमें हम स्टेरियस करने को नहीं मिलता है तो जिन जिन मूवीज़ में हाइट इफेक्ट्स अच्छा है वो मैं अनक से बताता हूँ दोस्तों ताकि आप उसको फील कर सकें उन मूवी को देख के आप अपने हाइट चैनल्स को एक्सपीरियंस कर सके कि उसका कैपेसिटी टेस्ट कर सके तो ये बहुत अच्छी हुई है दोस्तों आपके आई चैनल्स को टेस्ट करने के लिए क्योंकि इसमें जो बैटल सीन्स है अब उसमें आप बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और उसके साथ साथ हाई है भी बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस कराएगा नंबर सिक्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये जो मूवी बता रहे जा रहा हूँ ये मैंने अभी तक तो जितने सारे मूवीज़ आ सकती है स्किन मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा साउंड पॉइली आपको प्रोवाइड करेगा तो वो है लव एन मॉन्स्टर्स इसमें चार पाँच मॉन्स्टर्स के साथ एक्शन दिखाए गए है, हैं मूवी में और वो सीन्स मतलब उसमें जो साउंड क्वालिटी मुझे सुनने को मिला है मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है वो एक्स्ट्रा है जो इमोसिवनेस है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पीड में मौजूद हूँ मेरे आसपास वो सीन्स हो रहे हैं मेरे सामने वो सीन्स हो रहे हैं मुझे एक्चुअली उस सीन को एक्सपीरियंस करने को मिला है इतना अच्छा एक आ, मतलब इमर्सिवनेस इसमें दिया गया है उसके साथ साथ बहुत खेमी पेस भी आपको देखने को मिलेगा तो हर एक साइड से आपको एक अच्छा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा दोस्तों लव एंड मॉस्टर्स मैं कहूँगा कि नेटफ्लिक्स से मैंने जितने सारे मूवीज़ देखे हैं देखे हैं उनमें से मैं मतलब टॉप टू टू टॉप सी मूवीज़ के अंदर इसको कैंसिल करूँगा दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मूवी है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों के साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो थैंक यू जय हिंद वंदे मातरम